Dear, how can I help you? No, you cannot do that. So I could slap him. I want this guy. हम आज सोचे हैं कि थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करें तो विक्टोरिया शरीफ से 20 किलोमीटर के रास्ते पे एक छोटा सा खूबसूरत तमाम आला बहुत ही खूबसूरत बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बिल्कुल एक शहर है जिसका नाम है लैंगफोर्ड शरीफ। आज हम लैंगफोर्ड शरीफ आए तो मैंने सोचा मार्क एंड स्पेंसर की शॉप में घुस जाऊं, देखूं कि इनके पास क्या है। इनके पास आधे से ज़्यादा जो सामान है जो क्लियरेंस में, वो सब मजदूर लोगों के लिए, आप मतलब प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशंस, क्रेन ड्राइवर्स, हर किस्म के जो मज़दूर लोग हैं। तो अभी हम वो मज़दूरों का सेक्शन देख रहे हैं ना, कितनी सेफ्टी यार, क्या फर्स्ट क्लास ग्लव्स व्लव्स लगाते हैं और या मतलब बड़ा टेक केयर करते हैं काम करने से पहले। एक हमारे लोग हैं मतलब अलबाकिस्तानी, उनको कोई सेफ्टी एफ्टी की ज़रूरत नहीं। आज तक मैंने कनाडा में कोई ऐसा मज़दूर नहीं देखा हो जिसने इसमें से कोई एक कलर की टोपी ना पहनी हो। मतलब टोपी के बगैर तो वो लोग कोई काम ही नहीं करते। उसके बाद ये जो ख़ास करके ये जो इस तरह की शर्ट्स होती हैं, जैकेट्स होते हैं, इनको तो हमेशा ये पहनी होती हैं। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लिवाइस 50% का डिस्काउंट है, जो कि अभी मैंने अपने दोस्त को कॉल किए, मैंने कहा भैया जी सुकून से ना आ जाओ, नेक्स्ट वीक हम आएंगे एंड वी आर गोइंग टू बाय सम गुड जीन्स। या मैन हुडीज, क्या मतलब भाई, ये हमारे उन पाकिस्तानी लौंडों के लिए जिनको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि भाई आ जाओ, देखो मतलब अपना कमाओ, अन्य वा ड्रेसिंग करो, ठीक है। 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। यार लिवाइस पे 50% का डिस्काउंट, मतलब इट इज नॉट बैड ब्रो। वैरायटी जीन्स, क्या हमारे यहाँ 10-20 हज़ार रुपये की एक पैंट मिलेगी और वो भी 4-5 दिन के बाद ऐसी हो जाएगी, एक दो धुलाई के बाद सर्फ एक्सेल लगाओ, एरियल लगाओ, पता नहीं कुछ लोग हारी साबुन लाडो सोप यूज़ करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट लाइक दिस इज़ नाइस यार। ये सारे क्लियरेंस में पैंट्स पड़ी हुई हैं। वाह, जैकेट्स का सीज़न चला गया क्योंकि कैनेडा में जो है ना गर्मियाँ हैं, तो कोलम्बिया बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और इसका अभी जैकेट कितने का हमें मिल रहा है, 1119, कितने का हो यार, बहुत सस्ता है, $250 से कम जैकेट होती नहीं है इनकी। और ये बहुत मस्त, सस्ता, टिकाऊ, इससे सस्ता भाई कुछ भी नहीं है कनाडा में, इससे सस्ता, इससे मस्त, इससे टिकाऊ। क्या शर्ट्स पड़ी हैं भैया जी, देखो विंड रिवर $99 ओनली ब्रो, ये कुछ भी नहीं। अगर सर्दियों के मौसम में आते तो ये जैकेट हमें $250 की मिलती, मगर क्या है ना कि ये गरीबों के लिए ऑफ़र है, ख़ास करके वो बुला रहे हैं कि गरीबों आ जाओ। चाचा और खैरियत है, क्या लेने आया चाचा, शर्टें निकाला है क्योंकि गर्मी का मौसम है, 2 महीने और ये मौसम ऐसा रहेगा, इसके बाद जो लोग हमारे गोरे लोग हैं, गोरे हजरात जो हैं, आज जुम्मे का दिन है, हमने वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई है एज़ यूजुअल। शलवार कमीज़ मैं कनाडा में सबसे ज़्यादा पहनता हूँ, अन्य वहाँ पहनता हूँ, मेरी फेवरेट जगह शॉर्ट्स, सबसे ज़्यादा गर्मियों में मैं शॉर्ट्स ही पहनता हूँ, इवन ऑफिस भी मैं शॉर्ट्स ही पहन के जाता हूँ, और ये शर्ट है, कोई टेंशन नहीं है। इंजीनियर मैनेजर को एक दिन बोला मैंने कि भैया जी मुझसे ये ना गर्मियों में ये फुल स्लीव्स वगैरह, कहता है नो वरीज, यू डोंट नीड टू ड्रेस। मैंने मतलब नंगा नहीं आऊँगा भैया जी, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे आ जाऊँ, कहा यू डोंट नीड टू लाइक वेयर एनीथिंग, लाइक मतलब वेयर एनीथिंग, मतलब यू डोंट नीड टू वेयर फॉर्मल्स, ओके, जस्ट कम इन स्लीपर्स वगैरह। मैंने कहा फर्स्ट क्लास, ये तो मेरे लिए तुमने आसानी कर ली भाई। ये तो औरतों का सेक्शन है, ख़वातीन के सेक्शन में हमारे लिए जाना मुनासिब नहीं है, पर क्या है ना कि हमारी जो बहनें हैं, ख़वातीन हजरात ख़वातीन हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए ना, ये देखिए ये टोपियाँ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मैं कन्फर्म बात कहना हूँ, यहाँ से जो कन्फर्म यहाँ से जो शुरुआत होती है ख़वातीन के कपड़ों के लिए, तो ये इतने बड़े लॉन्ग कोट पाई की होया, मैं तो परेशान हो गया, ये की है भाई, बड़ा सस्ते में प्राइस में कोट मिल रहे हैं। गोरियाँ जब ये कोट पहन के सर्दियों में, इनके ऊपर एक बड़ा रेन कोट
उफ मैन क्या लगती है यार, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, कहना चाहिए कहना चाहिए, अल्लाह ने इनको हुस्न दिया, हम क्या कर सकते हैं भाई। ये देखो शरीफ औरतें, मतलब शरीफ गोरियां जो है ना, मतलब वैसे सब शरीफ हैं, ये लंबी लंबी शर्ट्स पहनती हैं, लंबी पैंट्स, ये मज़दूर गोरियां जो मजदूरी का काम करती हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं यार। अभी एक लड़की आई थी शायद हमारे दोस्त से मिलने के लिए हमारे घर से, तो हमारे दोस्त ने उसे पूछा कि तुमने क्या पहना हुआ है, कहती ये जंप सूट है। तो यार बोले वो सिंधी लड़की थी, कमाल कर दिया उसने, मतलब हमारा बच्चा अभी तक परेशान है कि साईं उसने जंप सूट पहना हुआ था। मैंने भाई ये क्या होता है, ये जंप सूट क्या होता है, कोई टेंट नुमा कपड़े होते हैं या किसी खिड़की का पर्दा फाड़ के उसने कपड़े बना लिए? तो कहता है सही कोई जंप नुमा सूट था, बस ऊपर से शुरू हुआ नीचे तक जा ही जा रहा था। मैंने कहा यार ये तो तूने कोई अच्छी बात बता दी, जंप नुमा सूट। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, उसने कहा हाँ जंप सूट है यहाँ पे लोग पहनते हैं, मगर आजकल सिंधी लोग पहनते हैं, कमाल हो गया हमारा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये सारे गोरियों के जूते हैं, तो इससे पहले मतलब के औरतों के जूते हैं, तो इससे पहले ये जूतों से ना मर्द को दूर ही रहना चाहिए। यार ये देखो मतलब औरतों के लिए क्या वैरायटी ऑफ शूज़ है, ये सारे मजदूर गोरियाँ जो हमारी हैं वो पहनती हैं। तो यार अब बहुत हो गया ना, ठीक है अब चलना चाहिए वापस। इस शॉप का नाम है मार्क एंड स्पेंसर, कनाडा के अलमोस्ट हर शहर में आपको ये शॉप मिलेगी, सो यू गाइस आर वेलकम, जब भी आएँ शॉप करें, इंजॉय करें, खाएं पिएं, घूमें फिरें, ठीक है। मुर्शद की कहानी, मुर्शद की ज़ुबानी अभी ख़त्म होती है, ये रेन सूट्स हैं हमारे, विंड ब्रेकर हैं, ठीक है।